रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण उसका अहंकार था, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। रावण में ये अहंकार उसकी माता कैकसी ने भरा था। कैकसी चाहती थी कि पूरी सृष्टि पर राक्षस वंश का ही नाम हो और देवताओं का विनाश हो जाए, इसीलिए वो रावण के मन में देवताओं के लिए जहर भरती रहती। एक बार रावण की माता कैकसी ने रावण से कहा, पुत्र रावण, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो और दिन रात उन्हीं की पूजा और ध्यान में लगे रहते हो, क्यों न तुम भगवान शिव की तपस्या करके यदि उन्हें लंका में रहने के लिए मना लो तो सृष्टि में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। माता, ये तो अति उत्तम विचार है। मैं घोर तपस्या के लिए आज ही हिमालय पर्वत पर चला जाऊंगा और भगवान शिव को लेकर ही लौटूंगा। रावण ने शिव जी की तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या सफल बनाने के लिए रावण अपने सिर की बलि चढ़ाने लगा। जब 10 सिरों वाला रावण अपना 10वां सिर काट कर शिव जी के चरणों में रखने लगा तो शिव जी प्रकट हुए। रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? ए महादेव, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ लंका चलें और वहीं रहकर मुझे आपकी सेवा भक्ति का लाभ उठाने दें। रावण, मैं सशरीर लंका में नहीं रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हें अपना एक ज्योतिर्लिंग देता हूँ, जो साक्षात मेरा स्वरूप होगा। इस ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग को ले जाते समय तुम्हें एक बात याद रखनी है, ये ज्योतिर्लिंग रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना, वरना ये वहीं स्थापित हो जाएगा, फिर तुम इसे लंका नहीं ले जा सकोगे। ए महादेव, ये ज्योतिर्लिंग तो अब लंका में ही स्थापित होगा, मैं इसे अपने पुष्पक विमान पर ले जाऊंगा तो मुझे कहीं भी रास्ते में रुकने की आवश्यकता ही नहीं होगी। नहीं रावण, इस ज्योतिर्लिंग को तुम्हें पैदल ही लंका ले जाना होगा। शर्त के अनुसार रावण भगवान शिव से आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त करके पैदल लंका की ओर चल पड़ा। देवतागण नहीं चाहते थे कि रावण इस ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाए, इसलिए वो भगवान विष्णु से सहायता मांगने पहुँचे। त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, हमें बचाइए, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। क्या बात है देवराज इंद्र, आप इतने परेशान क्यों दिखाई पड़ते हैं? देवलोक पर कैसा संकट आ गया है जो आप चिंतित हैं? हे नारायण, रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके उनको प्रसन्न करके आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त कर लिया है और भोलेनाथ के आत्म ज्योतिर्लिंग को अपनी लंका ले जा रहा है। आप जानते हैं भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, यदि वो आत्म ज्योतिर्लिंग लंका में स्थापित हो गया तो फिर कोई भी रावण को नहीं हरा सकता, इस सृष्टि पर राक्षस वंश का ही राज रहेगा। देवराज इंद्र, भगवान शंकर को भोले बाबा इसीलिए ही कहा गया है क्योंकि वो अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं, पर वो ये भी जानते हैं कि कौन सा भक्त किस इच्छा से वर मांग रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। भोलेनाथ को भली भांति पता है और वो ये भी जानते हैं कि रावण अपने स्वार्थ के लिए ही ज्योतिर्लिंग को लंका ले जा रहा है, इसलिए देवराज इंद्र आप चिंतित ना हो, रावण ज्योतिर्लिंग को लंका नहीं ले जा सकेगा। इसके पश्चात सभी देवी देवता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु सहित भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के समक्ष उस समय भगवान गणेश भी उपस्थित थे। देवताओं को परेशान अवस्था में देखकर भगवान गणेश बोले, पिताश्री, यदि आप आज्ञा दें तो मैं रावण को ज्योतिर्लिंग लंका ले जाने से मार्ग में ही रोक सकता हूँ। पुत्र गणेश, तुम्हारे साहस की हम प्रशंसा करते हैं, जाओ पुत्र, हमारा आशीर्वाद है, अपने कार्य में सफल हो। हे वरुण देव, इस कार्य में मुझे आपके सहयोग की भी आवश्यकता रहेगी। हे गजानन, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, कहिए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। हे वरुण देव, मैं चाहता हूँ आप लंकापति रावण के उदर में प्रवेश कीजिए ताकि उसका ध्यान भटक जाए, जो आज्ञा गजानन। उधर रावण आत्म ज्योतिर्लिंग को हाथ में लिए पैदल चला जा रहा था, तभी वरुण देव रावण के उदर में प्रवेश कर जाते हैं। वरुण देव रावण के उदर में उथल पुथल मचा देते हैं और रावण बेचैन हो जाता है। अरे, ये मुझे अचानक लघु शंका प्रतीत हो रही है और बहुत ही असहनीय हो रहा है।
मुझे लघु शंका जाए बिना चैन नहीं आएगा, पर तब तक मैं ये शिवलिंग जमीन पर भी तो नहीं रख सकता। तभी भगवान गणेश एक छोटे बालक का रूप लेकर वहाँ से गुजरने लगते हैं। रावण बालक को आवाज लगाता है। यहाँ इस बालक के सिवा कोई और नजर नहीं आ रहा, मुझे इस बालक को ही मदद के लिए बुलाना होगा। ओ बालक, जरा रुको, शीघ्र मेरे पास आओ। कहिए, आपने मुझे क्यों पुकारा? मैं लंकापति रावण हूँ, मुझे शीघ्र लघु शंका हो रही है। मैं किसी कारणवश इस शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता। तुम कुछ देर मेरा ये शिवलिंग हाथ में पकड़ लो। ठीक है, लाओ, पर शीघ्र आना। मैं इतनी देर तक इस भारी शिवलिंग को पकड़कर नहीं खड़ा हो सकता। मैं लंबे समय तक इंतजार नहीं करूंगा। मैं आपको 3 बार पुकारूंगा। आप समझ जाना कि मैं शिवलिंग का भार पकड़ने में असमर्थ हूँ, इसलिए उसी समय आप लौट आना। हाँ हाँ, चिंता मत करो, बस मैं गया और आया। पर तुम याद रखना, मुझे 3 बार पुकारे बिना इसे जमीन पर बिल्कुल भी मत रखना। भगवान गणेश तो यही चाहते थे। रावण वहाँ से लघु शंका के लिए चला गया। जल्द ही गणेश ने 3 बार रावण का नाम पुकारा, पर रावण नहीं लौट सका। उसकी लघु शंका रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बालक रूपी भगवान गणेश ने ज्योतिर्लिंग को धरती पर रख दिया। ये देखकर रावण क्रोध में भर गया। मूर्ख बालक, मैंने तुझे मना किया था कि इस ज्योतिर्लिंग को जमीन पर मत रखना, पर तूने इसे जमीन पर रख दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपको 3 बार पुकारा था, पर आप नहीं आए। मैंने तो कहा था कि यदि 3 बार पुकारने पर नहीं आए तो मैं इसे जमीन पर रख दूंगा। अब इतने भारी ज्योतिर्लिंग को मैं छोटा सा बालक कब तक हाथ में पकड़ कर रखता? बालक रूपी भगवान गणेश मुस्कुराकर हंसने लगे। रावण ने ज्योतिर्लिंग को जमीन से हटाने का बहुत प्रयास किया, परंतु अपनी सारी शक्ति लगाने के बाद भी वो ज्योतिर्लिंग को हिला तक नहीं सका। रावण अपना सारा क्रोध उस बालक पर निकालने लगा। बालक के सिर पर वार करने के लिए रावण ने उस बालक का पीछा किया। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरे कारण आज मैं ज्योतिर्लिंग को अपनी लंका नहीं ले जा सका। जरूर तू कोई मायावी बालक है, और ये सब माया तेरी ही रचाई हुई है। बता कौन है तू? रावण क्रोध से पागल हो रहा था। भगवान गणेश अपने असली रूप में आते हैं। उनको देखकर रावण हैरान रह जाता है। वो जानता था कि वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे लंकापति रावण, स्वार्थ व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है, और तुम स्वयं जानते हो कि सत्य क्या है, और तुम किस स्वार्थ की भावना से इस ज्योतिर्लिंग को अपने साथ लंका ले जाना चाहते थे। परिणाम तुम्हारे समक्ष उपस्थित है। अब ये ज्योतिर्लिंग यहीं स्थापित हो चुका है, इसलिए तुम लंका वापस लौट जाओ। विघ्नहर्ता भगवान गणेश से हार कर लंकापति रावण ज्योतिर्लिंग को लिए बिना ही निराश होकर लंका वापस लौट जाता है। सभी देवी देवता भगवान गणेश की जय जयकार करने लगते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा करता था। वो कभी भी कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार भगवान गणेश जी रूप बदल कर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। ये तो उसी सेठ का खेत है जो नियमित मेरी पूजा करता है। भूख बहुत जोरों की लगी है, गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खा लेता हूँ। गणेश जी ने सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, मैंने ये कैसी भूल कर दी, मैंने सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। ये तो चोरी हुई, और इस बात का दंड मुझे स्वयं भोगना होगा। गणेश जी ने एक साधारण लड़के का रूप धारण कर लिया और फिर सेठ के पास पहुंचे। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम गणेशा है, मुझे कोई काम मिलेगा? मैं बड़ी दूर से आया हूँ, यदि आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गणेशा, मैं तुझे काम तो दे देता, पर आजकल मेरे काम में भी बहुत घाटा चल रहा है, मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मेरे पास तुझे 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल जाएगी। ठीक है सेठ जी, मैं सारा काम कर लूंगा, आप चिंता मत करो। धीरे धीरे गणेश जी नौकर के रूप में सेठ के घर नौकरी करने लगे। वो घर और दुकान का सारा काम संभाल लेते थे, जिससे सेठ बहुत खुश था।
एक दिन सेठानी जब शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने सेठानी को टोका। सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वो स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को राख की जगह मिट्टी से धोया करिए। तू एक नौकर होकर मुझे समझाएगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तेरी शिकायत सेठ जी से करती हूँ। सुनो जी, मैं जब शौच से निपट कर आई और अपने हाथ राख से धोने लगी तो गणेशा ने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथों को मिट्टी से धोया करूं, क्या ये बात सही है? गणेशा, बात तो तू सही कह रहा है, जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। ये गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? कल्याणी, तुम एक काम करो, कल गणेशा के साथ ही चली जाना, मुझे दुकान पर काम है। आप चिंता मत करो, मैं सेठानी जी का पूरा ध्यान रखूंगा और अच्छे से गंगा स्नान करवाऊंगा। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंचती है। सेठानी गंगा के किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही थी। गणेश जी वहां गए और सेठानी जी को बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगाकर वापस किनारे पर ले आए। इस पर सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई, उन्होंने गणेशा से कहा, गणेशा ये तुमने क्या किया? मैं किनारे पर बैठकर ही स्नान करना चाहती थी, मुझे डुबकी नहीं लगानी थी। सेठानी जी, जब तक गंगा स्नान में गंगा जी में डुबकी ना लगाई जाए तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, गंगा स्नान तो डुबकी लगाकर ही पूर्ण होता है। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सेठानी घर जाकर ये बात सेठ को बताती है। गणेशा, तुमने ऐसा क्यों किया? सेठ जी आप ही बताइए, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता, मैं सही कह रहा हूं ना? अब किनारे पर बैठकर स्नान करने का क्या फायदा? ये गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। गणेशा इसी तरह सेठ के सारे काम करने लगा था। गणेशा के आ जाने से अब सेठ जी का व्यापार भी अच्छा हो चला था। एक दिन सेठ ने घर में एक पूजा का आयोजन किया और सेठानी जी को बुलाने के लिए गणेशा से कहा, गणेशा जाओ जाकर सेठानी को बुला लाओ, पूजा का समय हो रहा है, हमें मंदिर निकलना है। ठीक है सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी को बुलाकर लाता हूँ। गणेशा सेठानी को बुलाने चला जाता है। अरे सेठानी जी, आपने ये काली साड़ी क्यों पहनी हुई है? आप पूजा में काली साड़ी ना पहनकर लाल रंग की साड़ी पहन लो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। मैं काली साड़ी ही पहनूंगी, अब मैं कपड़े बदल चुकी हूँ, मैं दोबारा तैयार नहीं होंगी। और तुम मुझे इस तरह से उपदेश देने वाले होते कौन हो? मैं अभी सेठ जी से जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ। सेठानी सेठ के पास जाती है और सारी बात बताती है। ये बातें हमें याद नहीं रहती, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा कार्य में लाल रंग सचमुच शुभ माना जाता है। एक काम करो, तुम लाल रंग की ही साड़ी पहनाओ, ये गणेशा तो हर वक्त हमारी अच्छाई के बारे में ही सोचता है, वरना कौन आजकल किसी की भलाई सोचेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सेठ ने घर में गणेश पूजन का आयोजन किया हुआ था। गणेशा मूर्ति के स्थान पर बैठ जाता है, ये देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है। गणेशा, ये कहां की समझदारी है? मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहां गणेश जी की मूर्ति का स्थान है। अच्छा, फिर तो मैं बिल्कुल सही स्थान पर बैठा हूं। देखते ही देखते गणेशा भगवान गणेश के रूप में आ जाते हैं। प्रभु, आप स्वयं एक नौकर के रूप में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवान। हे प्रभु, मैंने ना जाने आपको नौकर समझकर कितना कुछ कह दिया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था, मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसीलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी के घर में खुशियों के भंडार भरे रहते हैं।